आई एम डॉक्टर शैलेंद्र धवन. आई एम ग्रेजुएट इन आयुर्वेदा एंड वी आर वर्किंग ऑन डर्माटोलॉजी इन आयुर्वेदा. कोरोना वायरस की वजह से देश में बहुत सी भ्रांतियां हैं कि कोरोना के पेशेंट्स को क्या करना चाहिए और क्या क्या चीज़ों का हमें प्रिकॉशन लेना चाहिए. आपसे मैं आज स्किन के रिलेटेड हम क्या क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं उसके बारे में कुछ मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगा. बहुत सारे लोगों की हमारे पास ये क्वेरीज आ रही हैं कि क्या कोरोना का जो वायरस है वो एक हेल्दी स्किन में पेनिट्रेट कर सकता है. तो मैं आपको ये बात बताना चाहूँगा कि कोरोना का वायरस जो है वो हमारी हेल्दी स्किन के अंदर उसकी पेनिट्रेशन नहीं है. ये सिर्फ आँख के रास्ते या मुँह के रास्ते ही बॉडी के अंदर पेनिट्रेट करता है. लेकिन उन पेशेंट्स में, उन लोगों में जिनमें हाथ में जरा सा भी कहीं पर कट है या स्क्रैच आया हुआ है, ऐसे लोगों को अपने स्किन की स्पेशल केयर करनी चाहिए, क्योंकि वहां से कट वाली जगह से भी इसके वायरस की पेनिट्रेशन होने की चांसेस जो हैं वो बॉडी में हैं. इसके अलावा बहुत सारे लोगों के इस तरह के क्वेश्चंस भी हमारे पास आ रहे हैं कि बार बार हाथ धोने की वजह से, सैनिटाइजर से और साबुन से बार बार हाथ धोने की वजह से क्या हो रहा है कि हमारे स्किन की जो एक मॉइस्चर होता है स्किन का, वो मॉइस्चर लॉस होना शुरू हो गया है और हाथों में कट्स लगने लोगों के शुरू हो गए हैं. और वो जो कट लग जाते हैं तो कट्स के अंदर जो है माइक्रोब्स की एंट्री होने के चांसेस और बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के चांसेस जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाते हैं. तो हमें क्या करना है कि जब हम बार बार अगर हाथ धो रहे हैं कोई इशू नहीं है, लेकिन हमें उसके बाद हाथों को मॉइस्ट भी करना है. हमें एक मॉइस्चराइजर का भी यूज़ करना है ताकि हमारी स्किन इंटैक्ट भी रहे और उसके अंदर माइक्रोब्स या बैक्टीरिया की इन्फेक्शन होने के चांसेस ना रहे. इसके अलावा कुछ कंप्लेंट्स हमारे पास आजकल आ रही हैं कि बार बार साबुन से हाथ धोने की वजह से क्या हो रहा है कि जहां पेशेंट ने रिंग पहना होता है, वहां पर जहां मुंदरी पहनी होती है, रिंग पहना होता है, वहां पर मॉइस्चर जो है वो रिटेन हो जाता है, साबुन वहां रिटेन हो जाता है. तो उस एरिया में मॉइस्चर के और साबुन के रिटेन होने से वहां पर धीरे धीरे हफ्ते में 10 दिन के अंदर अंदर वहां पर फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं. बहुत सारे पेशेंट हमें आजकल फोटोग्राफ भेज रहे हैं कि ये फिंगर्स पे जो है वो फंगल इन्फेक्शन की शुरुआत हो गई है. तो हमें ये भी केयर करना है कि हम रिंग्स को ना पहने, अगर पहनना है तो उसको उंगली को बदल के हम रिंग्स को पहने, एक ही जगह पे हम रिंग्स को ना पहने. दोस्तों, मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि कोरोना से लड़ाई हो सकता है कि कुछ दिनों की ही हो, लेकिन ये भी पॉसिबल है कि ये लड़ाई हमें बहुत लंबी और कुछ महीनों तक भी लड़नी पड़े. तो बहुत सी बातें जो कहने वाली हैं कि स्ट्रेसफुल कंडीशंस जो हैं, क्योंकि अब हम बहुत इंडोर्स रहेंगे तो इरिटेशंस और स्ट्रेसफुल कंडीशंस बढ़ेंगी. तो स्ट्रेसफुल कंडीशन के बढ़ने से स्किन डिजीजेस, सैगिंग ऑफ स्किन, इसकी कंप्लेंट्स, बहुत अर्ली एजिंग की जो स्टेजेस आती हैं उस तरह के विजिबल रिजल्ट्स आने लग जाते हैं. तो हमें बहुत चीयरफुल और स्ट्रेस फ्री रहना है. उसके लिए भी हमें चाहे प्राणायाम करना है, आपने योगा करना है, चाहे एक हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि हम अपने सारे दिन का कुछ समय स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी हम लगाएं, हम ध्यान लगाएं. वो आधा घंटा, मेरे को ऐसा महसूस होता है कि जो आधा घंटा हम स्पिरिचुअलिटी की तरफ अब मूव करेंगे तो बाकी सारी चीज़ें हमारे साथ नहीं जाएंगी जब हम इस कोरोना की महामारी से बाहर आएंगे. तो जो हम अध्यात्म की तरफ अब हम थोड़ा जो टाइम डिवोट करेंगे तो ये लाइफ लॉन्ग हमारे को हेल्प करने वाला है, फ्यूचर भी हमारा इससे और बेटर होगा. तो इन बातों से आप, मेरे को लगता है कि हम लोग कोरोना से और बेटर ढंग से मूव कर पाएंगे और बेटर ढंग से हम फाइट कर पाएंगे. नमस्कार. केयर वर्ड, कोरोना वायरस की खबर नहीं, जानकारी.